जय हिंद दोस्तों, सभी भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी जवानों को जय हिंद। दोस्तों हमने ये सेशन दोस्तों अचानक लाइव किया है, ठीक है, अचानक लाइव लिया है दोस्तों। देखते हैं आप कितने देर तक पढ़ते हो या नहीं, ठीक है, ये पता लगाने के लिए दोस्तों हमने अचानक ये लाइव किया, ठीक है। आज का सेशन दोस्तों आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अभी हाल ही में दोस्तों 19 जनवरी यानी आज ही के दिन दोस्तों 19 जनवरी 2020 को दोस्तों जो इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम हुआ है उसका बिल्कुल दोस्तों रियल और ओरिजिनल पेपर दोस्तों हमें मिल गया है, ठीक है। दोस्तों ये पेपर हमें संजीव कुमार ने प्रोवाइड करवाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी संजीव कुमार जी के लिए दुआएं कीजिए ताकि इनका सिलेक्शन वो इस भर्ती में डेफिनेटली हो सके, और जो हमारा भाई पेपर दे के आया है उन सभी का सिलेक्शन हो, हम ये कामना करते हैं भगवान से। आपका मतलब आपको कितने क्वेश्चन आते हैं इस सेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, पूरा देखिए, और आप मतलब आपके कितने क्वेश्चन इसमें राइट होते हैं या किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो मैं आपको पूरा आपके जीके जीएस के 30% पूछे जाते हैं, वो 30% इस सेशन के अंदर हमने लिया है भाई, ठीक है। तो भाई एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, जो सो गए हैं वो भी उठ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये अचानक हमने लाइव सेशन लिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। आर्मी का जीडी पेपर है दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल है, आप देख सकते हो किस एआरओ का है, ठीक है, आज ही के दिन दोस्तों ये पेपर हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 30% है दोस्तों जीके और जीएस के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आता है आप दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस रैली का आया था दोस्तों कि अशोक के पिता का क्या नाम था। दोस्तों बहुत से लड़कों ने ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं क्योंकि दोस्तों बहुत से लड़के इसमें बिंबिसार करके आए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना, अजात शत्रु के पिता का नाम है बिंबिसार, लेकिन अशोक के पिता को आपको पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों अशोक का पिता है वो है बिंदुसार, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसमें बहुत से लड़के इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, सरोजनी नायडू कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी की राज्यपाल थी दोस्तों सरोजनी नायडू, ठीक है, इसे कोकिला भी कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दोस्तों आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि दोस्तों जितने भी जीके और जीएस के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने आपको दोस्तों जो पढ़ाया है बिल्कुल उसी में से बिल्कुल वही क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। यूँ मानिए आपके 30 में से 25+ क्वेश्चन है ना दोस्तों, बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया है और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके एग्जाम के 5 दिन पहले दिए बिल्कुल उसी में से आया। जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है उसका सिलेक्शन है वो इस बार डेफिनेटली होगा। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन है वो डेफिनेटली होगा। और जो ये एग्ज़ाम देख कर आए हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके है वो इन जीके और जीएस के कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और हमारा मतलब हमसे जो मतलब बंदा पढ़ाई की है उसके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये भी आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों लाल ग्रह वो मंगल को कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों भोर का तारा, सांझ का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। जो लोग उसमें इसमें सी करके आए ना दोस्तों उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है। जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं जिनका 23 फरवरी या 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है उन सभी का बेंच है ना नेक्स्ट संडे को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट संडे को हो जाएगा। और वो भी हमें ज़रूर बताइए कि इसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता मेरे भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जीके जीएस में पढ़ाता हूँ, आपका जीके और जीएस का मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, ठीक है। एग्ज़ाम के सर ठीक एक दिन पहले मेरे को एक बंदे ने फोन किया, मतलब कॉल किया था कि सर माउंट एवरेस्ट है ये मतलब किस देश में स्थित है। तो मैंने इसको कहा था कि माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में भी आ गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेक मोहन रेखा भारत में भारत और किन के बीच स्थित है। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं ना लगभग दोस्तों मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर करवा भी दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेक मोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य। जो लोग इसमें ऑप्शन डी बता रहे हैं ना उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर भैया, ठीक है। जो पेपर दे के आए भाई अपने क्वेश्चन चेक करते जाइए, ठीक है। अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ अगर ये ऑप्शन करके आए हैं ना तो बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल राइट करके आए हैं, आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी को भी दिक्कत मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। और जिसके पास और भी क्वेश्चन है अलग एआरओ के तो वो भाई हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर बताए ताकि जो हमारे आगामी जो रैली भर्ती का पेपर होने वाला है आप ही के दोस्त है ये तो इनका भी अच्छा पेपर हो जाए, ठीक है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक खेल है वो
चार वर्ष के अंतराल में होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा संवैधानिक निर्वाचन सदस्य कौन से देश है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूँ मानिए, और ये लगभग लड़के सभी करके आए, क्योंकि दोस्तों भारत का हमारा संविधान है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अमेरिका का दोस्तों सबसे छोटा है, ठीक है। ब्रिटेन का है दोस्तों अलिखित संविधान है, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम होता है ना कि अलिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का है भाई, ध्यान रखना। और सबसे छोटा है ना वो अमेरिका का है, ठीक है। दोस्तों ये मैं रिलेटिव क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों रिलेटिव क्वेश्चन से अभी मतलब चार ऑप्शन में लेता हूँ ना, तो आपको सभी क्वेश्चनों के बारे में मैं बताता हूँ। अगर मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो दोस्तों उसके आपके 40-50 क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, टाइगर मैन किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी ने ये राइट कभी कर किया है। दोस्तों टाइगर मैन जो ऑप्शन ए बता रहे हैं ना, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया, गोल्फ, ठीक है। हॉकी से दोस्तों मेजर ध्यानचंद संबंधित है, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है दोस्तों, वो निशानेबाज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार मैंने आप सभी को पूछा था और आप सभी ने मेरे को आंसर भी सही बताया था कि सर साइमन कमीशन की मृत्यु है ये, मतलब सॉरी, लाला लाजपत राय की मृत्यु है ये साइमन कमीशन में हुई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्यूपंचर क्या है? तो दोस्तों एक्यूपंचर है वो सुई द्वारा की गई चिकित्सा है। अगर दोस्तों इस पेपर का अगर पैटर्न देखा जाए तो आपकी जो एस के राम सिंह वाली गाइड है ना दोस्तों, उससे बाहर कुछ भी नहीं किया, यूँ मान के चलिए, और जो मैंने आपको पढ़ाया ना उसके बाहर कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जिसको भाई अच्छा मतलब अच्छा लगता है हमारा चैनल, अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका पूरा मतलब दिल और जान से पढ़ाएंगे। आपको एग्ज़ाम के 5 या 10 दिन पहले आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। और जिसको ऐसा लगता है कि भाई नहीं नहीं यार ऐसे मतलब ये सब फालतू पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप हमारे चैनल से जा सकते हो भाई, हमारा ना हमने आपको न्योता नहीं दिया कि भाई आप आइए पढ़िए, ठीक है। जिसको मतलब इंडियन आर्मी की वर्दी पहनी है ना वो आइए भाई, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये 2005 में हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। दोस्तों 1 दिसंबर को है ना एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को दोस्तों विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन मतलब ए बता रहे हैं ना वो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे भाई, ध्यान रखना। दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। इस योजना आयोग की जगह दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और दोस्तों 2005 में है ना सूचना का अधिकार है ना, ये उसकी स्थापना 2005 में हुई थी भाई। अब दोस्तों आपका जो पार्ट आता है वो आता है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का, ठीक है। आपके एग्जाम में दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 15 के 15 क्वेश्चन दोस्तों हमने इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने मतलब आपको हज़ारों बार ये क्वेश्चन करवा भी दिया है क्योंकि मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखना। रंग से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। इसमें जो लाल हरा नीला करके आया ना, उन्होंने बिल्कुल ये क्वेश्चन राइट करके आया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा और नॉर्मल क्वेश्चन है, 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है। जिनका भाई 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है ना, उनके लिए बहुत ही जल्द मतलब ये लाइव सेशन है ना 9 बजे स्टार्ट करने वाली है रात को, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो मैंने अचानक लाइव किया है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि रात तक आप कितनी देर तक पढ़ते हो, इसलिए किया भाई, ठीक है। जो मेरे को अभी सुन रहे हैं ना, उन सभी को मतलब बहुत बहुत यूँ मानिए, आपको धन्यवाद मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि आप इतनी देर तक इंडियन आर्मी की तैयारी कर रही हूँ, मतलब आपसे बहुत से लड़के सो गए हैं, नहीं तो अपन 200-250 लड़के लाइव रहते हैं, ठीक है। मनुष्य के दांतों की संख्या दोस्तों 32 होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नोबल गैस कौन सी है? तो दोस्तों नोबल गैस है, इन चारों ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो दोस्तों नोबल गैस है वो आर्गन है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऑप्शन हालांकि भिन्न आए होंगे, लेकिन दोस्तों मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन है वो इंक्लूड किया है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी मतलब ये वाली बात नहीं है कि सर ने पता नहीं कहाँ से उठा के रख दिए हैं भाई, ठीक है। ये पेपर आप किसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। संजीव कुमार ने हमें ये प्रोवाइड कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है दोस्तों वो 46 होती है, 46, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र है वो होता है 1/2 mv², ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको फारेनहाइट में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 98.5
6 फारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 0 डिग्री वायु पर, 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि का वेग होता है तो दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है भाई, जो मेरे बनारस एआरओ वाले दो भाई है ना, उनका मतलब एग्जाम टल गया, उनका 23 फरवरी का है। ठीक है, तो उनको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, जो मतलब वो मेरे चैनल को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं भाई। ठीक है, मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ। जीके जीएस है ना, वो मतलब आप चाहे एनए का हो, चाहे आप कलर्क का हो, चाहे आप टेक्निकल का हो, ठीक है, जीके आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो ईमानदारी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से निकलता है तो किससे टकराकर उसे विकिरण मुड़ जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट होगा भाई। इसमें बहुत से लड़के हैं ना वो रेड करके हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। इसका बैंगनी है वो, ये राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पौधों के पत्ती का रंग किस कारण हरा होता है। तो दोस्तों ये हरित लौह के कारण हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ये बहुत सी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत से लड़के दोस्तों कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो राम सिंह वाली एसके है ना, उसमें फेफड़ा दे रखा है भाई, ध्यान रखना, फेफड़ा दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, रक्त का यहाँ पर आप बोल रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण है ये होता है किडनी या गुर्दा। ठीक है, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है भाई, ये मतलब कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छर को काटने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं आपको कितनी बार करवा दिया, मैं आपको हर बार पूछता हूँ कि मतलब मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों मलेरिया होती है। ठीक है, और दोस्तों ये रेबीज है ना, ये कुत्ते के काटने से होती है भाई, ध्यान रखना ये, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। दोस्तों आपके एग्जाम के ठीक 1 दिन या 2 दिन पहले मैंने मॉडल टेस्ट पेपर लिया था, तो मैंने उसमें आपको ऐसे बोल के बताया था कि ध्यान रखना, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में भी आ गया, इसीलिए दोस्तों मैं चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कुछ लड़के मेरे पास कमेंट भी करते थे कि सर आप एक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हो। अरे भाई, मैं ज़्यादा डिस्कस आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए करता हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको फटाफट भी करवा सकता हूँ। बुलेट ट्रेन चलाई थी ना अपन ने, एक ओनली 20 मिनट के अंदर आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, हमारी बोलने की स्पीड बहुत है, आप टेंशन मत लो। अगर हम जाएं तो आपको मतलब आधे घंटे के अंदर 1000 क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सभी क्वेश्चनों के मतलब सभी ऑप्शन मतलब उसी हिसाब से मैं इंक्लूड करता हूं, ताकि मतलब आपको एक क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो आप पूरी ईमानदारी के साथ देखा करो। ठीक है, आपका सभी सपना, आपका सपना है वो पूरा हो सके, आपके घर वालों का सपना पूरा हो सके आपको भारतीय सेना में भेजने का। ठीक है, मोटिवेट मिलता है, मैं कभी आपको कुछ गलत फैक्ट नहीं बताता हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये न्यूटन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और दोस्तों एल्फा कणों और बीटा कणों की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाहरी जल का सूत्र होता है। दोस्तों हालांकि जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें हमें 28 क्वेश्चन ही मिल पाए थे, तो ये है ना, किसी लड़के ने मेरे को भेजा है कि इसी रैली में सर ये एनए के अंदर पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, भारी जल का सूत्र दोस्तों D2O होता है। ठीक है, जल का सूत्र है वो होता है H2O। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आनुवंशिक रोग है। तो दोस्तों हीमोफीलिया ना वो आनुवंशिक रोग है ये। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, एड्स है ये दोस्तों, HIV रोग है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो है ना, ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिनका 23 फरवरी और 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैटर्न है ये देख लीजिए, 2020 में इस प्रकार का आ रहा है। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए, जिन्होंने पेपर दे दिया है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमने इतने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, और जिनका भी हाल ही में होने वाला वो भी बताइए कि 30 में से आपसे कितने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को वापस आपके नए बेंच, और आपको हमें पेपर है वो मतलब मिलने स्टार्ट हो गए हैं, सभी पेपर मेरे पास आ गया है। मैं धीरे धीरे करके आपको संडे से पहले सभी पेपर एक बार करवा दूंगा, और संडे से आपका नया बेंच है वो बना दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट नए पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।